कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो आरती में क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठः प्रियदर्शनः। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी इस जो वैकुंठ का प्रिय दर्शन और चरित्र और लीला का जो वर्णन है, ऐसे दिव्य दुर्लभ चीज़ों को आज हमने श्रवण किया बाबा जी महाराज से। वृंदावन की नित्य चर्चा, नित्य वृंदावन की मनसुखा की और अपनी वाणी की रीति की जो नित्य नूतन जो गाथाएं हैं वह बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ चीज़ों को हम सदैव सुनते रहें, गाते रहें, ऐसे दुर्लभ समय को हम साथ रखते रहें। समय अधिक हो चुका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय सनातन धर्म के अनुसार सभी सुख रहें, निरोगी रहें, चिरायु रहें। ऐसे आशु भाई ने अपने पूरे डावड़ा परिवार युगांडा से ही अच्छे श्रद्धा और भावना से लेकर के यहाँ पत्र पुष्प श्री नंदनंदन में उन्होंने अपने हृदय को समर्पित किया, ऐसे भजन को रखा, वे धन्यवाद के पात्र हैं। हम इसी तरह अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, सभी भाई भाई की तरह इकट्ठे हैं, इसी तरह आप सब इकट्ठे रहें। यही सनातन धर्म का प्रतीक है। बूढ़े जवान बालक सभी को मिल करके इसी तरह गाते हुए, खेलते हुए, गवाते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही संसार है, यही गृहस्थ धर्म है। ऐसा गृहस्थ धर्म आप लोगों का सतत आगे चले। इसी के साथ आइए आरती करते हैं। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। गुंगो नहीं आए Come on.
कपूरगौरं करुणावसारं संसारसारं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुनरीकाक्ष मङ्गलायतनोहरि सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वाणि साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नमोस्तुते बोल श्री रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु देव की अपने अपने गुरुदेव की जय ओम नमः पार्वती पदे हर